और अभी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है गाइस। गाइस ये अलग सा गूज़बम्प्स दे रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किधर से इको पार्क पहुंच सकते हैं। और ये देखिए गेट साइड को, और अभी और ये और वेली, ओ भाई यूट्यूब चैनल बिहारी बाइकर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं और काफ़ी अच्छे से अपने अपने घरों में होंगे। तो गाइज अभी देख लो अपने साथ में CVR, जो हम लोग बहुत टाइम से मिस कर रहे थे हर्ष भैया को। तो आज हर्ष भैया अपने साथ में दो तीन दिन के छुट्टी में आए हुए थे कॉलेज से, और साथ में G900 और अपने साथ बदमाशी पुलिस सौरभ भैया और साथ में आकाश भैया बैठे हुए पीछे। तो गाइज अभी आज हम लोग चल रहे हैं गाइज एक बहुत ही अच्छे काम के लिए, और आज हमें जाना है अपने एक फ्रेंड के पास। और तो गाइज आज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑलमोस्ट 1000 इंडियन फ्लैग, क्योंकि गाइज अभी आने वाला इंडिपेंडेंस डे। तो भाई ने बोला कि 1000 फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई के पास, और अभी हम लोग वहाँ पे मिलते हैं उससे, उसके बाद फिर अभी हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। देखते हैं अभी वहाँ पे कितने लोग हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एक पार्क में, और वहाँ पर जितने लोग होंगे पहले उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर अभी चलेंगे जहाँ जहाँ पर भी अभी लोग हमें मिलेंगे उन्हें देते जाएंगे। तो गाइज चलो अभी सीधा मिलते हैं पार्क में, और बाकी अभी अपना तो साथ में है ही G900। तो गाइज अभी भाई लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, और अभी हम लोग भी यहाँ पे पहुँच गए। तो अभी मिलते हैं पहले भाई से और पूछते हैं कि अभी कितने फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और अभी कितने करने हैं। तो पहले मिलते हैं भाई से। तो भाई अपने यहाँ पे खड़ा है। तो गाइज अभी यहाँ पे फ्लैग लेके यहाँ पे लोग खड़े हैं, और अभी टोटल कितना टारगेट है आज डिस्ट्रीब्यूट करने का? 1000 का टारगेट है आज। 1000 का टारगेट है, तो भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो भाई को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और अभी जैसे भी जो जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो सबको फ्लैग दिया जा रहा है। और अभी यहाँ पे पहले तो बहुत भीड़ था, थोड़े लेट हो गए अभी हमें लोग आने में। और अभी जैसे जैसे अगर यहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगा, तो अभी हम लोग इको पार्क की तरफ चले जाएंगे, उधर भी काफ़ी भीड़ है। तो गाइस चलो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर आगे आपसे बात। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 फ्लैग्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और अभी गाइस यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं इको पार्क के लिए, क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक है वो निकल चुका है, और अभी हमें जो थोड़ा बहुत पब्लिक और मिलने वाला है वो मिलेगा हमें इको पार्क के पास। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं इको पार्क के पास, और फिर वहाँ पे देखते हैं कि अभी कितने पब्लिक वहाँ पे अवेलेबल है जिसे हम लोग फ्लैग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो गाइस इस साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और 75वां साल इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया जाएगा हमारे इंडिया के अंदर, ये तो हम लोग देखेंगे ही 15 अगस्त को। बाकी अभी हमारा जो टारगेट है 1000 फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसमें गाइज उसमें ऑलमोस्ट 500 डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और जो बचा हुआ 500 है वो अभी हम लोग जगह जगह घूम के करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट। और जो जो और गाइज जहाँ जहाँ जो जो लोग मिलेंगे अभी हम उन्हें झंडा देंगे और बताएंगे कि सबको अपने घर पे एक तिरंगा फहराना है और एक झंडा लगाना है। तो गाइज बहुत ही अच्छा फील आता है, मतलब क्या बोला जाए, अगर देश के लिए अगर आप कुछ भी करते हो, एक छोटा सा भी योगदान देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है गाइज। तो बाकी मैं आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, तो गाइज आप लोग भी अपने अपने घरों में एक तिरंगा ज़रूर फहराएं 15 अगस्त को, और गाइज जब लहराएगा अपना झंडा तो प्राउड फील करेगा हर एक भारतीय। तो अभी हम लोग चलते हैं फटाफट इको पार्क की तरफ, और वहाँ के पब्लिक को रोकते हैं और उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंडियन फ्लैग। तो गाइज अभी जगह जगह सारे शहरों में जो अभी हो रहा है मार्च, उसका एक नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारे NCC वाले हैं जो झंडा लेके जा रहे हैं, ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और अभी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है गाइस। और सब लोग नारा लगाते हुए जा रहे हैं वंदे मातरम और भारत माता की जय। और गाइस पहले तो छोटे छोटे तिरंगे थे, और ये बड़ा तिरंगा अभी, और ये लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। गाइस ये अलग सा गूज़बम्प्स दे रहा है, मतलब ये देशभक्ति वाला पूरा माहौल है गाइस, और कितना खूबसूरत ये लग रहा है, ये देखें आप लोग। ओ भाई साहब ये कहां तक है अभी, मैं आपको दिखा सकता हूं ये कहां तक है अभी, ये मुझे भी नहीं दिख रहा, और वो लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं अभी, और धूप तेज हो चुका है।
तो भाई ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और भाई सच में ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाला फीलिंग है, मतलब यहाँ पे कुछ बोलने का नहीं है, बस आप लोग देखते जाओ और देखते जाओ कितना लंबा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये अभी हो रहा है अपने बिहार पटना में। ये सारे एनसीसी के स्टूडेंट हैं, मतलब जो भी स्कूल में एनसीसी करते हैं वो सारे हैं। और भाई ये कहाँ तक है अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सब अपने अपने बाइक छोड़ करके उतर चुके हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज धूप है और ये बच्चे इस धूप में ही जा रहे हैं। और ये सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं गाइस, ये चीज़ आप गौर करना, साथ में इनके टीचर्स भी हैं और सारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं। और भाई ये ख़त्म नहीं होने वाला है, पूरा फुटेज चाहिए है ना, ये ज़रूरी है ना, ये बच्चे इतने धूप में निकले हुए हैं तो इनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग का तो प्लेटफॉर्म फिर भी बहुत छोटा है दिखाने के लिए। आपका प्लेटफॉर्म बड़ा प्लेटफॉर्म सेम है, ऑडियंस ज़्यादा बस। इवन वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं चलने में लेकिन वो लोग का हौसला बहुत ज़्यादा है। तो गाइज अभी पता नहीं कि अभी हम लोग कितने देर में वहाँ पे पहुँचेंगे क्योंकि भाई ये जो चीज़ था इसके लिए रुकना तो बनता था और कोई ऑप्शन भी नहीं था अपने पास। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किधर से इको पार्क पहुँच सकते हैं। और ये देखिए गेट साइड गो, ये सुपर बाइक्स भाई साहब, भाई देख लो इसके अंदर सिर्फ स्पीड नहीं होता है बाकी इसका ब्रेक जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा पावर्ड होता है और वो उतने स्पीड में कंट्रोल हो सकती है। तो ये जब आप कभी ड्राइव करोगे सुपर बाइक तब आपको पता चलेगा ये चीज़ कि लोगों को लगता है कि इतनी तेज़ भागती है, तो भाई तेज़ भागने के साथ साथ उसकी ब्रेकिंग को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि उसमें ब्रेक्स भी उस तरीके से लग सकें। तो गाइस वो बाइक दोनों गायब हो चुकी हैं, दोनों सुपर बाइक गायब हो चुकी हैं और अपन चलेंगे लिमिट में क्योंकि हमारी बाइक जितनी पावर है उसके अनुसार इसमें ब्रेक्स हैं, उनकी बाइक जितने पावरफुल हैं उनके बाइक्स में उतने पावरफुल ब्रेक्स हैं। सो गाइस अभी अपने को तो पब्लिक इधर मिली नहीं तो अभी अपन चलते हैं एक बार चेक करके आते हैं जू की तरफ से। तो अभी सब भाइयों का बात हुआ है कि सब क्यों जाएंगे, आप जाओ एक बार चेक कर लो कोई एक। तो गाइस अभी मैं चला रहा हूँ CVR 650 और एक बार चेक करके आते हैं जू के पास का भीड़। और गाइस बहुत टाइम के बाद मैं CVR चला रहा हूँ क्योंकि अभी हर्ष भैया थे नहीं, हर्ष भैया अपने कॉलेज में थे और अभी 4-5 दिन की छुट्टी में आए हुए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कैसा वहाँ का पब्लिक है। और भाई ऑब्वियस है भाई पावर G900 में थोड़ी सी ज़्यादा है बट भाई मज़ा इसमें भी कम नहीं है। और एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं जल्दी से कि क्या है पब्लिक अभी वहाँ पे Gate No. 2 के पास जू के। तो भाई फिर सब भाइयों को बोलेंगे कि उधर आप लोग आ जाइए और अगर पब्लिक नहीं होगी उधर तो फिर हम लोग रिटर्न हो जाएंगे किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। और जो भाई अपना फ्लैग लेके आ रहा है उसको भी मना कर देंगे, फिर अभी नहीं करेंगे हम लोग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर देखते हैं कोई भी पार्क के पास जाएंगे और वहाँ पर कम्प्लीट करेंगे टारगेट को। और यहाँ पे तो गाइज़ गाड़ी बहुत ज़्यादा लगी हुई है तो मतलब पब्लिक अभी इधर है और वो लोग धीरे धीरे करके निकलेंगे ही इस जगह से। और एक बार अपन चेक भी कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमें पब्लिक मिल जाएगी क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक जो है बहुत हार्ड है
और जो आप पार्किंग देख रहे हो उससे आप गेस कर सकते हो कि कितनी पब्लिक अभी यहाँ पे होगी। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फ़ोन कर देते हैं उन लोगों को कि यहाँ पे पब्लिक है और बता देते हैं भाई को कि आ जाए। A few moments later. तो गाइस अभी मैं वापस जा रहा हूँ उन लोगों को बताने के लिए, और एक्चुअली बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं राइड करने ही के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताना होता तो मैं फ़ोन पे भी बता सकता था, बट चलो इसी बहाने थोड़ा और राइड कर लेते हैं और उन लोगों को साथ में ही लेके आएंगे। एक बार ग्रुप में भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। और गाइस वहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है कि हमारा आज का जो टारगेट है वो पूरा हो सकता है वहाँ पे। हम लोग को वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए खड़ा होकर वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो फिर हम लोग वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं अपना टारगेट। तो गाइस अभी चलो पहले उन लोगों को लेके आते हैं और फिर चलते हैं सीधा हम लोग फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन पे। और ये लोग आधे दूर तक पहुँच ही गए हैं, तो अभी हम लोग इधर से हो जाते हैं रिटर्न या फिर चलते हैं साथ में। और ये रहा G900 और ये बहुत ही जबरदस्त विली। ओ भाई एक नंबर विली था यार। और ये अच्छा स्ट्रेच हुआ है, बहुत ही सही स्ट्रेच हुआ है ये। ये अपनी जेरी बहुत तगड़ा स्ट्रेच हुआ है अभी, और हो सकता है कि अभी एक और विली आई गाइस, और एक और विली। ओ भाई और विली, ओ भाई साहब एक और विली। तो गाइस लेकिन जो फर्स्ट विली थी तीनों में से सबसे जो सही गई थी वो पहली वाली विली थी, और बहुत अच्छा स्ट्रेच हुआ था, बहुत सही स्ट्रेच हुआ था गाइस, मज़ा आ गया देख करके। और चलते हैं गाइज अभी हम लोग गेट की तरफ। तो गाइज अपने भाई का सेटअप यहाँ पे तैयार हो रहा है, फ्लैग जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अभी यहाँ पे, और सब यहाँ पे जो भी हमारे साथ हैं सब भैया लोग लगे हुए हैं। फ्लैग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और हर घर तिरंगा का एक मिशन है, उसमें हम लोग ने भी थोड़ा बहुत जो भी योगदान था वो दे दिया है। तो गाइस अभी हम लोग का प्लान हुआ है कि अब हमें लग गया थोड़ा सा भूख, और हम तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं आरपीएस में, और वहाँ पे हम लोग लिट्टी खाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे सब कोई अपने अपने घर की तरफ। एक्चुअली मेरा घर वहाँ से पास है और मेरे को आज कुछ काम भी है, इसलिए मैं उस तरह ही चलने के लिए इन लोगों को बोल दिया हूँ। तो अभी हम लोग अपने घर के साइड ही चलेंगे गाइस। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट करना। तो गाइस मिलते हैं आप किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। राइड हार्ड, राइड सेफ़।